हमेशा भाई 12 बजे के बाद आते थे, इस बार दोनों की दोनों 8 बजे ही आ गई है सुबह। ये रही हमारी बहन जी, हेलो यार, और सपोर्ट से भाई बन गए सब्सक्राइबर की खुशी में। केक कटिंग हो रही है, केक खा लो, आओ ना ये। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस सबसे पहले तो भाई आज भाई दूज है और यमजतिया भी है, तो गाइस आप सभी को भाई दूज और यमजतिया दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं सुबह भाई 4 बजे निकल आया था अंधेरे में ही, लेकिन जब से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकता था क्योंकि लाइट ही नहीं दी थी अच्छी, अंधेरे से शुरू करने से फ़ायदा क्या था, तभी सुबह 4 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। अब थोड़ा सा साफ सुथरा मौसम हो गया है, हल्के से सूर्य नारायण भगवान दिखना शुरू हो गए, तो ब्लॉग करने के लिए प्रॉपर रोशनी होने के बाद तब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाथों में सुबह 4 बजे गया था। ये भाई बहन का त्यौहार है और लगभग भाई आज समापन हो जाएगा दीपावली के त्यौहार का, जो करवा चौथ से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है। इस बार तो कहीं लंबा भी हो गया है, एक दिन तो केवल ग्रेड की वजह से बढ़ गया था। सुबह 4 बजे से लगे हुए भाई, आज नहाके नहीं आया, पूरे त्यौहार में ऐसा पहला दिन आया है जिस दिन मैं सुबह नहाके नहीं निकला हूँ। सुबह 4 बजे नहाने की इच्छा नहीं होती है भाई, इतनी तो ठंड हो गई है सुबह कि सर्दी लगती है नहाने धोने के बाद, और फिर गाड़ी चलानी है तो हवा भी लगती है तो हालत ज़्यादा बिगड़ जाती भाई, इसलिए मैं नहाके नहीं आया था। काम अच्छा खासा निकला हुआ, सुबह से लगा हुआ हूँ। बोल के आया था घर पे, जैसे आप नहा धो के रेडी हो जाओ, या छोटी सिस्टर तुलसी आने वाली है ना ध्योज लेके, जब वो आ जाएगी कॉल करेगी तो मैं पहुँच जाऊँगा नहाने धोने के बाद, फिर ध्योज करवाएंगे। हमारी मैडम भी जाएंगी अपने भाई की ध्योज लेके, उनसे भी बोल के आया हूँ, जब तैयार हो जाओ मुझे कॉल कर देना, मार्केट से मिठाई लेके उनके लिए घर पे चला जाऊँगा, उसके बाद उन्हें ड्रॉप करना है टेम्पू से, वो अपने गाँव चली जाएंगी, तो सबके काम चलते रहेंगे, हमारा भी चलता रहेगा, कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, यही सोच के सुबह से लगा हुआ हूँ भाई। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। ये सारी भीड़ जो दिख रही है, ये यमजतिया नहाने वाले हैं, पुलिस ने बैरियर लगा रखा है यहाँ GIC कॉलेज पर, यहाँ से आगे गाड़ियाँ जा नहीं पा रही हैं, लेकिन भीड़ देख लो भाई, सामने की तरफ घाट है। तो गाइस भाई ब्लॉग शुरू करते समय मैं बता रहा था आपको, भाई दूज आज हमारी मैडम को बोल के आया था कि तैयार हो जाओ, जब कॉल कर देना मैं मिठाई लेके आ जाऊँगा। तो भाई टाइम हो चुका है, लगभग 8:15 हो गए हैं, मैडम की कॉल आ गई है कि हम रेडी हैं, मिठाई लेके आ जाओ। तो मिठाई लेने के लिए अपने रमन मिष्ठान भंडार पर आए हुए हैं, सबसे बेस्ट दुकान है अपने आसपास, अच्छी मिठाई बेचता हूँ भाई ससुराल वालों को, देखते हैं मेरे वीडियो, चलिए मिठाई ले लेते हैं। पहले भीड़ लगी हुई है भयंकर, वहाँ के भीड़ उड़ती है भाई दुकानों पर, अपनी भी मिठाई होने वाली है, पर्ची पहले लेके दे दो। त्योहारों के टाइम में मिठाई की दुकानों पे भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। मिठाई लेके आ चुका हूँ घर पे और घर वाले भाई सारे के सारे तैयार हो गए, हमारी मैडम भी तैयार हो गई अपने भाई के यहाँ जाने के लिए, और इधर हमारी कब्बू टिल्लू खुशी तीनों की तीनों तैयार है। ये देखिए गाइस हमारी कब्बू टिल्लू खुशी, गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही है टिल्लू, टिल्लू कहाँ जा रही है, नानी के घर ध्योज खाने के लिए। क्या है हुआ, हुआ कुत्ते से हुआ कर रही है, इनमें झगड़ा हो रहा है। आ गई भाई हमारी भी, आ गई ये हमारी बहन जी, राम राम साहब, बहन जी आपके काऊ ना लाए, चलो चलो चलो। घर में ऐसा माहौल है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चंचल और तुलसी दोनों टाइम से ही आ गई हैं, हमारी देख लो भाई, हमारी दिवस सबसे पहले आ गई, और ये कब्बू टिल्लू खुशी, और जा रहे सबके सब, घर खाली भी हो गया भर भी गया। गीता पहले ही चली गई। तो गाइस भाई नहा धो के हो चुके हैं रेडी, सुबह इतनी जल्दी चला गया था यार, और मैंने भाई कई बार नोटिस किया है कि आप प्रॉपर नींद ना लो ना, और सुबह यार थोड़ा सा लेट ना हो तो चेहरे की अपने आप ही बैठ बजना शुरू हो जाती है। सुबह कैसा चेहरा लग रहा था नहाने के बाद देखे, चमक सी आ गई है वीडू। छोटी बहन वगैरह सभी सुबह ही आ गए, हमेशा भाई 12 बजे के बाद आते थे, इस बार दोनों की दोनों 8 बजे ही आ गई है सुबह। गीता गई, छोटा भाई भूरा भी गया, उसकी भाई बच्चे सब गए। ये नहीं हमारी बहन जी, हेलो, अपनी दोस्त टाइम से आ गई भाई आज। मिठाई जा हो, हां तो बीवी की चप्पल नहीं खेलूंगी, पान ना मत गई, ये गा पान,
भाई वैसे तो पान खाना बुरी बात है, पर भाई ऐसे ऐसे मौके पर तो खाना चाहिए, मस्त लगता है यार। ले भैया तू तो मम्मी तो कर ले, बुरा नहीं करूंगी अभी मैं। एक और पान आ गया, ये चंचल की तरफ से है। चंचल हेलो कर दो। तो भाई जो सुबह सुबह टाइम हो जाए, ये त्योहार ऐसा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, अगर मुंह से आवाज निकलने में दिक्कत हो रही हो भाई और समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ तो पान घा रखा है यार। वैसे मैं पान बहुत कम खाता हूँ, कभी जब भी मौके पड़े पर खाता हूँ, जैसे भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे, मार्केट से खरीद के कभी पान नहीं खाता। आज लेके आएंगे, दो दो आ गए, एक तो तुलसी ने खिला दिया और चंचल वाला ये रखा है, दो पान तो आज कभी जाएंगे कम से कम। तो गाइस मेरी जो हो चुकी है, आप सभी को भी भाई बहन के पवित्र त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आई होप कि अच्छे से मनी होगी। और गाइस हम न जाने सुबह से कितने भाई बहनों को एक दूसरे के पास पहुंचा चुके हैं, काम ही ऐसा भाई अपना एक दूसरे को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। अभी आराम करेंगे, काम करने की अब इच्छा है नहीं। हमारे जीजा श्री भी आए, उनसे टाइम पास करेंगे, बातें करेंगे। आधा घर खाली हुआ है, गीता और छोटा भाई बूढ़ा वगैरह उसकी भाई वगैरह गए अपनी ध्योज लेके, तो हमारे घर रिश्तेदार आ गए, तो जैसा लेवल था वही रहता है, कम ही हुआ ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। वैसे मेरे भांजी भांजे इस बार आए नहीं है, उनके एग्जाम चल रहे हैं तो ये लोग लेके नहीं आए उन दोनों को, पीयूष और दीसू दोनों रह गए भाई इस बार। एग्जाम नहीं होते तो आते ही। अंजलि पीछे किचन में से बनाने में लगी हुई है ना इनके लिए खाने पीने के लिए, तो आवाज़ मार रही है। अंजलि कह रही है कि हम तो जाते नहीं अपने मामा के यहाँ पे, मौका कहाँ से मिलेगा यार, छोटे छोटे थे जब जाती नहीं थी क्या, तो अब तो बड़े हो गए, अब हर बार जाओगे। भाई ये सुबह आए थे और अभी चल दिए, देखो हमारी बहन जी रेडी हो गए तैयार, देख लो। तो भाई सुबह 8 बजे हमारी तुलसी आई थी और अभी से दोपहर में ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 12 बजे और जाने की बातें कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। एक बज गया तुलसी तो वापस जा रही है, और ये देखिए पूरा परिवार घंटा को बातें करने में लगा हुआ था, अब ये तो जा रहे हैं भाई। इतनी देर की ध्योज होती है हमारे यहाँ, अच्छा एक जो मुँह पता है पुराने पुराने मंगल बाजार बारे में नहीं पहला था हूँ, नए पैर भी आदत ना रही है। चल दिए साहब ये तो हमारे रिश्तेदार, बाय 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 बाय, बाय। ये गए विदा करने भाई, रिश्तेदार हो गए विदा। आज मैं दोपहर तक गाड़ी चलाने के बाद भाई दोबारा मैं गाड़ी चलाने के लिए गया ही नहीं था, ध्योज करवाने के बाद घर पर ही आराम करता रहा। दोपहर में छोटी बहन ध्योज करने के बाद लगभग 2.5 घंटे रुकने के बाद चली गई अपने घर। हालांकि आज हमारा प्रोग्राम था कि 1K सब्सक्राइबर की खुशी में केक वगैरह काटेंगे, लेकिन तुलसी रुकी नहीं, वो तो चली गई, लेकिन बच्चे और चंचल नहीं मान रहे, वो बोल रहे 1K की खुशी में केक कटवाओ, आपने बोला था, अब मेरी मजबूरी हो गई है कटवाना पड़ेगा। तो मैंने अंजलि को पैसे दिए, अंजलि गई केक लेने के लिए, शाम को ला के बोल दिया उसको फ्रिज में रख देना। मैं जा रहा हूँ फिलहाल गाड़ी चलाने के, घर पर मन नहीं लग रहा, दोपहर के बाद से ही पड़ा हुआ हूँ। खूब कोशिश की कि आज नहीं जाता हूँ, लेकिन भाई आदत है, ड्राइवर आदमी हूँ, नहीं मानता है मन, तो शाम के टाइम में थोड़ी देर गाड़ी चलाने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं रुकूंगा, तो थोड़ा सा गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद में शाम को आपको 1K की खुशी में केक कटिंग वगैरह पार्टी शार्टी दिखाएंगे कैसा होगा। हालांकि ज़्यादा बड़े प्रोग्राम करने की मेरी भाई इस वक्त हैसियत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है जेब, जैसा भी होगा आपको देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ी देर घूमाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, घर के माहौल से अलग हो जाएगा। गाइस कल से लेके अब तक आप थोड़ा सा ये टाइम आया है कि जब स्टेशन पर थोड़ी सी शांति दिख रही है, मतलब 24 घंटे से बहुत हाहाकार मचा हुआ था, जिस तरफ जाओ सवारी सवारी, खड़ा होने को टाइम नहीं मिल रहा था। अब पहली बार है कि 15 मिनट से खड़ा हुआ हूँ, कोई सवारी आके कहीं के लिए भी नहीं पूछी है। अभी थोड़ा सा ये वजह भी है कि अभी कोई गाड़ी का टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ी सी शांति है। वरना सिटी के अंदर जाओ ना जन्मभूमि पे, तो भाई साहब पुलिस वाले गाड़ियाँ रुकवा के ज़बरदस्ती सवारियाँ बिठवा रहे, इतनी भयंकर भीड़ है जन्मभूमि पे इस समय। 7:15 हो चुके हैं, थोड़ी सी देर और देख रहा हूँ, लगभग 8 बजे तक, उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। और गाइस एक लफड़ा और हो गया आज यार, आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया था जो डाला है मैंने आज, लगभग 24 मिनट का सा था, और उसको अपलोडिंग करते करते भाई साहब दोबारा डाटा ख़त्म हुआ है, बड़ी मुश्किलों से जाके अभी अपलोड हुआ है, 7 बजे जाके मैंने डाला है, बड़ी दिक्कत हुई है यार। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं इसीलिए नहीं बनाता, छोटे छोटे में आराम से अपलोड तो हो जाते हैं, बड़ा कर दो तो फिर अपलोडिंग भी नहीं होती है यार। दोपहर को मैंने लगभग 2 बजे करीब अपलोडिंग पे लगाया था, और 2 बजे से लेके अब 7 बजे कंप्लीट हुआ है भाई। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और मैंने इसमें से भी कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा का तो काट दिया है, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। कुछ इधर उधर की बातें थी वो सब निकाल निकूल के
जो मुझे अच्छा लगा, किसी को अच्छा लगा कि नहीं पता नहीं, और जो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने बचा के डाला है। तो गाइस भाई फाइनली गाड़ी चला के आ चुका हूँ घर पे, और गाइस जो काम कल होना चाहिए था वो आज हो रहा है। बन के सब्सक्राइबर तो कल ही कंप्लीट हो गए थे, कल ही केक कटवाना चाह रहे थे, लेकिन चंचल और तुलसी दोनों ने फोन करके कर दिया था मना कि हम आएंगे हमारे सामने केक कटवाना। और गाइस तुलसी और चंचल ने रुकवाया था, तुलसी आज नहीं रुकी, ध्वज करने के बाद सीधी की सीधी भाग गई, उसके बच्चों का एग्जाम था। तो आज तुलसी को भी मिस कर रहे हैं, अपनी कब्बू टिल्लू खुशी तीनों को उनको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने मामा के यहाँ गई हुई हैं भाई ध्वज के चक्कर में। लेकिन आज अंजलि और चंचल हमारे पास रुक गई है ना, ये देखिए ये लोग नहीं माने भाई, तो इनके लिए ये केक कटिंग हो रही है। और मंकू आपको दिख ही गया होगा, देखो चड्डी बनान में अभी भी है, चड्डी बनाना है हम लोग केक कटवा रहे हैं। लेकिन बल्ला भाई चड्डी बनान वाला फैसला अपना नहीं छोड़ता है, पूरा कंटिन्यू करता है, कितना भी कह लो कितना भी समझा लो ये नहीं मानता। और गाइस बहुत बड़ा ड्रामा या तामझाम वाला आपका भाई है नहीं, जैसी भी छोटी छोटी खुशियां होती है और छोटी छोटे पैसों से जो कुछ कर सकता भाई करता है। बहुत ज्यादा देखे हैं मैंने बनके के सब्सक्राइबर या 2K या 3K या जैसे भी होते जाते हैं लोग केक कटवाते, उसी परंपरा को निभाते हुए भाई मैं भी केक कटिंग करवा रहा हूँ बनके सब्सक्राइबर्स की। तो एंजॉय कीजिए, आप देखिए कि बताइएगा कैसा लगा केक कटवाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि असली हीरो तो आप ही हो, आपके सपोर्ट और आपके प्यार से यहाँ तक पहुंचे हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चलिए केक काटते हैं पहले। ये देखिए केक, ये सामने मैंने YouTube का लोगो बनवाया था लेकिन भाई बिगड़ गया है, मथुरा में इतने ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं नहीं, और जो सफेद वाला निशान था वो भी पिघल गया। ये लिखा है बन के सब्सक्राइबर्स, ये अंजलि ने खुद बनाया है, जो केक बनाने वाला था उसमें बनाना नहीं आ रहा था तो अंजलि ने बनवाया ये। और सपोर्ट से भाई बन के सब्सक्राइबर की खुशी में केक कटिंग हो रही है, इस पे लिखा हुआ है ये देखिए बन के सब्सक्राइबर्स। वैसे तो ये कल कटना था पर चंचल ने और तुलसी ने दोनों ने कर दिया था मना कि हम आ जाएंगे तब कटवाना, तो आज केक कटिंग हो रही है। प्लास्टिक वाली छुरी से काटेंगे। ओ ये क्लैपिंग, कट करो, ये कांग्रेचुलेशंस पापा। सेकंड बाइट गाइस के लिए। और गाइस ये आपके लिए, क्योंकि सारा काम सारा सपोर्ट जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया है इसी से यहां तक पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हकदार तो आप ही हो। केक खा लो आओ ना ये मन खुले दे दे जाओ मौसम मीठा नमकीन मन हम मुझे ये अंजलि के लिए थैंक यू। जब शुरू किया था ना यही बच्चे आते ले थे भाई, अब धीरे धीरे इनको भी एहसास होने लगा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो प्लीज हम बहुत खुश हैं ऐसे सपोर्ट देते रहिए। तो गाइस आप लोगों के लिए भाई ये केक कटिंग थी, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें और हमें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू गाइस सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। अभी तो 1K का है, 2K का, 3K का, हर बार केक ऐसे ही कटता रहेगा, बस केक बढ़ाते जाइए, ग्रैंड पार्टी, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को कर देते एंड, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना।